राष्ट्रपति निर्वाचन पर आज एक तारीख घोषणा अपराह्न तीनटे ईसीआई घोषणा करे तारीख आसंता जुलाई में सरुची राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कार्यकाल जुलाई 25 रे नुआ राष्ट्रपति ने शपथ बड़ खबर अपराह्न तीनटे ईसीआई घोषणा करे राष्ट्रपति निर्वाचन पर तारीख अपराह्न तीनटे ईसीआई घोषणा करे आसंता जुलाई में सरुची वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यकाल तेणु जुलाई 25 रे नुआ राष्ट्रपति ने शपथ से राष्ट्रपति निर्वाचन पर आज तारीख घोषणा करे ईसीआई राष्ट्रपति निर्वाचन पर आज तारीख घोषणा करा जिवो तारीख घोषणा करे ईसीआई जुलाई जहाँ सूचना रही कि जुलाई 25 रे शपथ ने नूतन राष्ट्रपति तेणु ता पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन हो निर्वाचन पर तारीख घोषणा करे ईसीआई आज दिन तीनटे अपराह्न तीनटे ईसीआई तारीख घोषणा करे जहाँ रही समस्त नजर देश में किए रही किए हो पारती नुआ राष्ट्रपति एने सूचना धीरे धीरे सामना को आसो तेज आज तारीख घोषणा करे ईसीआई ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही आमर प्रतिनिधि गगन विश्वाल रही गगन जुलाई 25 रे जेहेतु नूतन राष्ट्रपति शपथ ने तेणु राष्ट्रपति निर्वाचन अनुष्ठित हे से आज तारीख भी घोषणा करा जिवो अपडेट कर देखो निश्चित भाव जहाँ बर्तन शेड्यूल टाइम फिक्स कराई तीनटा बेले ये नहीं डिक्लेरेशन हम जे कौन तार डेडलाइन रोज क्यों तारीख में प्रार्थी मैंने से प्रार्थीपत्र दाखल करेंगे और कौ तारीख में वोट टेकिंग हम सबू शेड्यूल ये गोटे जी कहे सांविधानिक प्रक्रिया राजीव कुमार जे रही चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया से डिक्लेयर करेंगे सहित टीम रे तेज कौन एथर देखिए इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया पक्षर जिते भी निर्वाचन डिक्लेयर कराई सबुरे कोविड नियम को ही गुरुत्व दी जाइए तेज नो डाउट जेहेतु पुणी थे पेंडामिक बढ़ुच्च और केसेस लगातार बढ़िया लगे तेज निश्चित भाव से ही प्रावधान कोविड प्रोटोकॉल को लेकिन किभली भाव निर्वाचन हो देखिए सबुठ बड़ निर्वाचन कहुए संघीय व्यवस्था राष्ट्रपति निर्वाचन कहीं देशर हेड होती सी देशर प्रथम नागरिक होती सी तेणु तक जो निर्वाचन होेणु या निश्चित भाव शांति श्रृंखलार सहित जो रही निर्वाचन जो आचरण विधि रही कि भाव कौन राज्य जमी कौन कंप्लेन न आसे कहीं देखिए ये गोटे बड़ भोटिंग प्रक्रिया तांकर जो देखिए जो गणितिक प्रोसेस रही राष्ट्रपति निर्वाचन से इलेक्टोरल जो ऑफिसर ठार आरंभ करी एमएल एमपी पर्यंत समस्ते भोटदान करें गोटे बड़ प्रक्रिया और सबुठ अधिक लोक निजुक्ति हमें बैलेट बॉक्स ठार आरंभ करी दिल्ली में गणति पर्यंत तेणु ये गोटे लंबा प्रोसेस थाए राष्ट्रपति निर्वाचन जितेबाला डिक्लेरेशन कराए तेणु से आधार में आशा कराऊ हे तो जो राष्ट्रपति निर्वाचन पर ये जो डेडलाइन डिक्लेयर कर नो डाउट ये डेडलाइन पर पुणी उपराष्ट्रपति डेट डिक्लेयर हो पाए आज दुईट जाक डेट डिक्लेयर होना आर किसी दिन पर उपराष्ट्रपति डेट डिक्लेयर हो चित्र स्पष्ट हो जाए बर्तमान देखिए राजनीतिक दल मैंने गोटे प्रोसेस आरंभ कर दे किए से राष्ट्रपति प्रार्थी हम जमीक किसी दिन पूर्व जिते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दिल्ली गस्त करते चर्चा होता प्रधानमंत्री सहित हे तो से प्रसंग में से आलोचना करती बर्तमान सुधा देखिए एनडीए तरफ खासकर प्रधानमंत्री कहतु अमित शाह कहतु से तरफ कौन सेमती राज्यर मुख्यमंत्री सहित होता सहित होमती आलोचना होनी जहाँ तार बीजेपी तार जो रही पार्टी भितर से डिस्कसन करु विरोधी दल हिसाब से बर्तमान केसीआर लिड करनेक राज्यर मुख्यमंत्री को सी भेटिले राष्ट्रपति निर्वाचन को नहीं शिवसेना कथ कहतु ममता बानर्जी कथ कहतु यूपी रे आसिक अखिलेश यादव कथ कहतु अनेक राज्यर राजनैतिक दल मान से कंटाक्ट रखुं तेणु हूं तो गोटे टक्कर देखा मिली पाए कि जदि एनडीए रही स्ट्रंग प्रार्थी आसती हूं तो विरोधी प्रार्थी दे न पारती कि पूर्व आम देखी रामनाथ कोविंद समय कि भाव उभय एनडीए कथ कहतु यूपीए कथ कहतु से प्रार्थी डिक्लेयर करते आंचलिक दल गोटे बड़ भूमिका था ये निर्वाचन में आंचलिक दल बड़ भूमिका रहा जाए कहीं एनडीए संख्या अधिक अच्छी
नो डाउट दुईट जाक सदन में आप लोकसभा देखु कि राज्यसभा देखु दुईट जाक सदन में एनडीए संख्या अधिक अच्छी बड़ दल अच्छी कि मात्र 0.5 प्रतिशत इलेक्ट्रोल भोट जो आवश्यक पड़ू हूँ तो बीजेडी हूँ वाईएसआर कांग्रेस हूँ यदि से समर्थित कर दिखती तेणु एनडीए को आउसी असुविधा हो ना तेणु आशा कराँ आज डिक्लार होगा डेट डिक्लार होगा कौन डेट रोच क्यों तारीख में निर्वाचन हम कौन तार प्रोसेस रोच सब कथ डिक्लार होगा पुणी चर्चा हम जे किए कौ दल रु प्रार्थी होती परवर्त कथ निश्चित भाव आज डेट डिक्लार डेटा ही हूँ मुख्य जिन तारीख घोषणा करना को आसब कि एरएस किए रही एनडीए कहतु कि विरोधी मान पक्षर किए प्रार्थी आसना को मानने ता ही स्पष्ट है। धन्यवाद गगन इरेटलाम प्रतिनिधि गगन विश्वास।